हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिज़ाइनर रेडीमेड स्टाइल कुर्ती बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है और ये हमने गोटा लेस ली है। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक को डबल में रखा है। अभी इसको फोर फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से उठाकर हमें इसको फोर फोल्ड कर लेना है। तो हमने इसको यहाँ तक फोल्ड कर लिया है और ये फोर फोल्ड हमने 11 इंच का लिया है। जितना हिप साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है प्लस 2 इंच मार्जिन ऐड करना है। तो हिप है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 9 इंच, प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे तो वो आ जाता है 11 इंच। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। तो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। तो इस तरह से हमें कुर्ती के लिए फैब्रिक को फोर फोल्ड कर लेना है। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम स्लीव्स कट करेंगे। और कुर्ती की जो लेंथ है वो हमने यहाँ पर 48 इंच की ली है। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम करूँगी और मार्किंग करूँगी। तो यहाँ पर शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। यहीं से आर्मोल लेंगे तो आर्मोल भी मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। यहाँ पर हमें चेस्ट का फोर्थ पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है तो मैं ले रही हूँ 11 इंच। अब यहाँ से कमर की लेंथ लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 14 इंच और हिप लेंथ लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 21 इंच। अब यहाँ पर जहाँ पर हमने कमर लेंथ का निशान लगाया वहाँ पर कमर का फोर्थ पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है तो मैं ले रही हूँ 9.5 इंच। और जहाँ पर हिप लेंथ का निशान लगाया है वहाँ पर हिप का फोर्थ पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है तो मैं ले रही हूँ 11 इंच। इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी नीचे से ये स्ट्रेट ही रहेगा। अभी आर्मोल ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन का हाफ लेना है और यहाँ से बैक का आर्मोल ड्रॉ करना है और हाफ इंच अंदर से फ्रंट का आर्मोल भी ड्रॉ कर लेना है। अभी नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम बैक आर्मोल से कट करेंगे। तो हमने कटिंग कर ली है। अभी यहाँ पर हम एक कट लगा लेंगे, यहाँ से स्लेट रहेगा। अभी इसको ओपन करना है और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखना है और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करना है और फ्रंट आर्मोल की कटिंग करनी है। तो हमने फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर ली है। अभी हम बैक पार्ट लेंगे और बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच और नेक डीप मैं ले रही हूँ 4 इंच। उसके बाद हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे और नेक की कटिंग करेंगे। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को फोर फोल्ड किया है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है और फोर फोल्ड की विड्थ हमने ली है 9.5 इंच। जितना आर्मोल है उससे 3 इंच ज़्यादा लेना है और लेंथ ली है 17 इंच। अब यहाँ ओपन साइड में 3 इंच पे मार्क करेंगे और स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे और स्लीव्स बॉटम लेंगे 7 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे और स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर छोटा सा कट लगा लेंगे, उसके बाद स्लीव्स को ओपन करके रखेंगे और फ्रंट का आर्मोल कट करेंगे। तो इस तरह से ड्रॉ करना है और कट कर लेना है। तो इस तरह से स्लीव्स की कटिंग करनी है। अभी फ्रंट नेक बनाने के लिए हमने कैनवास पेपर लिया है। इसकी विड्थ है 9 इंच और इसकी लेंथ हमने ली है 13 इंच।
अभी इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर पिन लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। अभी हमने एक फैब्रिक का पीस लिया है, इसके ऊपर हमें इस पैच को रखना है और प्रेस से चिपका लेना है। तो हमने इसको चिपका लिया है, अभी इसके बाहर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। इसके बराबर कट करेंगे। उसके बाद यहाँ से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद पूरे में 1.5 इंच पे मार्क करना है और तिरछी लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद इस साइड में भी 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और तिरछी लाइंस ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हमें गोटा लेसेस लगानी है। तो गोटा लेस जो हमने लाइंस ड्रॉ की है उसके ऊपर हम स्टिच कर लेंगे। इस तरह से पूरे में हमें लेसेस स्टिच करनी है। अभी एक साइड में स्टिच कर लिया है, अभी दूसरी साइड में भी स्टिच करेंगे। अभी इसके पूरे राउंड में हमें ये वाली लेस लगानी है, तो इस तरह से लगानी है। लेकिन सबसे पहले हम इसको उल्टा रख के स्टिच करेंगे। इस तरह से पूरे राउंड में हमें इसको स्टिच कर लेना है। बाद में हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। अभी इस पैच पे हमें नेक की मार्किंग करनी है, तो इसको फोल्ड करेंगे। अभी यहाँ से नेक वेड्थ लेंगे 2.5 इंच और नेक डीप लेंगे 5.5 इंच। उसके बाद यहाँ से हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद इसको वापस उल्टी तरफ फोल्ड करना है दूसरी साइड में और इसको टैप करना है और इसके निशान्स दूसरी साइड में आ जाएंगे, तो इसको ट्रेस कर लेना है। अभी ये हमने फ्रंट का पार्ट लिया है, इसको हमने उल्टा रखा है। अब यहाँ पर सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके ऊपर पैच को उल्टा रखेंगे और नेक के शेप में सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर सेंटर से सेंटर को मिला के रखना है। तो इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर 1/2 इंच तक का मार्जिन छोड़ना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। उसके बाद इस पैच को हम सीधी साइड में पलट देंगे। और यहाँ पर टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो हमने टॉप स्टिच लगा लिया है, उसके बाद यहाँ पर पिंस लगा लेंगे। और इसको इस तरह से
लेस को फोल्ड करते हुए हमें स्टिच करना है। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट में पैच फिक्स हो गया है और ये हमारा फ्रंट का पार्ट रेडी हो गया है। अभी बैक नेक बनाएंगे, तो बैक नेक बनाने के लिए हमने तिरछी पट्टी ली है, इसे इसके ऊपर उल्टा रख के स्टिच करेंगे। तो हमने इसको स्टिच कर लिया है, अभी यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और इस पट्टी को अंदर की तरफ डबल फोल्ड करेंगे। तो हमने बैक नेक रेडी कर लिया है, अभी फ्रंट का पार्ट इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और शोल्डर्स अटैच करेंगे। अभी स्लीव्स के बॉटम में भी हमें लेस लगानी है, तो लेस को इस तरह से उल्टा रख के स्टिच करेंगे। तो हमने इसको स्टिच कर लिया है, अभी इसको सीधी साइड में पलट देंगे और टॉप स्टिच लगाएंगे। और उसके बाद ये गोटा लेसेस हमें यहाँ पर लगा के स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से हमने स्लीव्स के बॉटम पे लेसेस स्टिच कर ली है, इसी तरह से दूसरे स्लीव्स भी रेडी किया है। अभी स्लीव्स को शोल्डर पे अटैच करेंगे, तो स्लीव्स को शोल्डर के ऊपर उल्टा रखना है और स्टिच कर लेना है। इसी तरह से दूसरा स्लीव्स भी स्टिच करेंगे। तो हमने दोनों स्लीव स्टिच कर लिए हैं, उसके बाद इसको उल्टा करेंगे और स्लीव से लेके हिप तक स्टिच करेंगे, फिटिंग कर लेंगे। और इसके बाद हम इसको डबल फोल्ड करके साइड स्लिट बनाएंगे और इसके बॉटम को डबल फोल्ड कर देंगे।